coming. तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? हाँ वो तुमसे कुछ बात करनी थी। ओह आई सी। लेकिन मैंने तो कह रखा है कि मेरे बारे में जो कुछ भी जानना हो सीधा मंजुला देवी से ही पूछिए। फिर मेरे पास आने की वजह? हम मंजुला देवी हम मम्मी जी के बारे में ही बात करने आए हैं। तुमने ये क्या जादू कर दिया मम्मी जी पर? हाँ चंद्रिका, ये सब क्या चल रहा है तुम्हारे और बड़ी माँ के बीच में? मुझे तो लगता है कि तुम उन्हें ब्लैकमेल कर रही हो। देखो सबकी अपनी अपनी समझ है, तुम लोग जो चाहो सोच सकते हो। हाँ दैट मीन्स तुम हमें कुछ नहीं बताओगी? हाँ ये तुमने ठीक कहा। ओके मत बताओ कि बड़ी माँ तुम्हारे बीच क्या रिश्ता है। चलो ये भी मान लो कि बड़ी माँ का लिहाज करके तुमसे कोई कुछ नहीं पूछेगा। हम दोनों को बाकी लोगों की तरह समझने की कोशिश मत करना। अगर हम दोनों चाहे ना तो इस घर को इधर से उधर कर सकते हैं। यस मिस चंद्रिका, तुम हम दोनों से टकराने की कोशिश मत करना। देखो प्रांजल, टकराने की कोशिश उससे की जाती है जिसे कोई लड़ाई हो, और मेरी तुम दोनों से कोई लड़ाई नहीं है, इसलिए टकराने का तो सवाल ही नहीं उठता। काफी समझदार है तुम। गुड गुड गुड, थैंक यू। वैसे प्रांजल, इतनी समझदार होने के बावजूद मेरी एक बात आज तक समझ में नहीं आई। तुम और सुमन दोनों बहने हो ना, फिर भी तुम दोनों में इतना फर्क क्यों है? मैं बताती हूं, शायद ये फर्क इसलिए है कि तुम दोनों की माँ अलग अलग है। शट अप चंद्रिका, हमारी माँ अलग अलग है लेकिन कम से कम हमारे डैडी तो एक है। लेकिन तुम्हारा क्या है? हाँ तुम्हारा कोई वजूद है कि नहीं? तुमने बड़ी आसानी से कह दिया कि बड़ी माँ तुम्हारी माँ है, लेकिन तुम्हारे डैडी का कोई अता पता है कि नहीं कि बस हवा में बातें किए जा रही हो? सॉरी प्रांजल, तुम्हारी ये कोशिश भी बेकार है। ये सब बातें मुझे एक्साइट नहीं करती, और ना ही मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देना जरूरी समझती हूँ। इस सवाल का जवाब तो तुम तब दोगी जब तुम्हारे पास होगा। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन चंद्रिका, डैडी का नाम बताने के लिए डैडी का नाम होना भी जरूरी होता है। मेरे डैडी का नाम भी है और मेरा वजूद भी, जो तुम दोनों को बहुत जल्द पता चल जाएगा। फिलहाल मैं तुम दोनों को एक बात याद दिलाना चाहती हूँ कि ये कमरा मेरा है, और मैं ये पसंद नहीं करती कि कोई भी कभी भी नॉक करके यूं मेरे कमरे में चला आए और मुझे बोर करने लगे। अगर तुम दोनों की बातें खत्म हो गई हो तो तुम लोग जा सकते हो। एक्सक्यूज मी मैडम, हमें भी तुम्हारे कमरे में खड़े होने का कोई शौक नहीं है, और ये जो तुम्हारी लंबी जबान है ना, इसे लगाम देना सीखो। वो तो बड़ी माँ का लिहाज करके हम दोनों यहाँ चुपचाप खड़े हैं, वरना हमें आदत नहीं ऐसी जबान सुनने की। एंड फ्यूचर में ये बात तुम याद रखना। तुम दोनों भी मेरी एक बात याद रखना, मेरा नाम चंद्रिका है, सुमन या निधि नहीं, और मैं बदतमीज सवालों के जवाब बदतमीजी से देने के लिए मशहूर हूं।